अभी जी छोटे से किंगफिशर पक्षी को आप देख रहे हैं, इसी ने जापान के बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब भी किसी टनल से गुजरती थी तो बहुत ही तेज आवाज आती थी, लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी के ऊपर ध्यान दिया और देखा कि जब ये मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। और फिर इस पक्षी की बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया और आप यकीन नहीं करोगे, ये तरीका काम आ गया, जिससे फिर ना कभी आवाज आई बल्कि बुलेट ट्रेन की स्पीड भी तेज हो गई।